हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज का जिसका नाम है रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस के क्या रीजंस हो सकते हैं सबसे पहला रीजन ऑल कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स चीपली सारे के सारे कंट्रीज सारे गुड्स तो नहीं ना बना सकते इसलिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड तो करना ही है ठीक है कुछ कंट्रीज़ वो गुड्स सस्ते में बनाते हैं कुछ महंगे में बनाते हैं तो जो भी कंट्री एक पर्टिकुलर गुड महंगे में बनाता है वो सस्ते वाले से इम्पोर्ट करवा लेगा नेक्स्ट देयर इज़ अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज़ हर एक कंट्री के पास अपने अपने नेचुरल रिसोर्सेज है अब जैसे इंडिया है इंडिया के पास क्रूड ऑयल नहीं है तो उसे बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है अब कई कंट्रीज हैं वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है अरब कंट्रीज वगैरह वो वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है या फिर Uh, मतलब जो खाने की प्रॉब्लम है वो दूसरे कंट्री से खाना मंगवा लेते हैं ठीक है ना अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज लैंड लेबर कैपिटल रॉ मटेरियल एटसट्रा एटसट्रा तो हर एक कंट्री में जो फैक्टर्स हैं वो उसी कंट्री का मतलब उसी तरीके से सामान बनाएगी जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं अब जैसे आ, इंडिया इंडिया में कई फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है इंडिया में टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है जितनी चाइना के पास है तो चाइना से वो वो चीज़ें मंगवा देती है जो फैक्टर्स इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है एंड वाइस वर्सा नेक्स्ट डिफरेंस इन द लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक जोग्रफिकल एंड पोलिटिकल रीजनस इन्होंने कहा कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो अलग अलग होती है अलग अलग कंट्रीज में ड्यू टू मनी रीजन जैसे इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक जोग्रफिकल एंड पोलिटिकल रीजन बताएं इसका एग्जाम्पल एप्पल एप्पल है अमेरिका की कंपनी मगर अमेरिका में भी बंदे हैं चाइना में भी बंदे हैं मगर जो चाइना में बंदे हैं, वो सस्ते पड़ते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हाई है और चीपर लेबर है तो इस वजह से जो एप्पल है वो चाइना से सारा का सारा मतलब ठेका दे अपने फ़ोन वगैरह बनवाता है और भी कई चीज़ें बनवाता है खैर देर इज़ नॉट अ सिंगल कंट्री विच इज़ इन बेटर पोजिशन टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो हर एक सामान बाकी कंट्री से सस्ते में बनाए चाइना भी अगर एक्सपोर्ट में बहुत आगे है तो चाइना भी तो कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करता ही है ठीक है ना चाइना जैसे लिथियम बैटरी के लिए जो लिथियम चाहिए वो इम्पोर्ट करता है समझ गए ना बात हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इतनी बेटर पोजिशन में है कि वो सारी की सारी चीज़ें सस्ती बना दे नेक्स्ट ईच कंट्री फाइंड फाइंड इट एडवाटेजस टू प्रोड्यूस दो दोलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली एंड एफिशियटली एंड प्रोक्योरिंग रेस्ट थ्रू ट्रेड विद अदर कंट्रीज तो इसमें यह बताया कि हर एक कंट्री यही चाहता है कि जो वो अच्छी और अच्छी चीज़ सस्ते रेट पे बना सकता है वो वो बनाए और दूसरे के ऊपर एफर्ट वेस्ट ना करे ठीक है क्योंकि वो महंगी बना रहा है और किसी और कंट्री से वही चीज़ सस्ती में खरीद ले जो दूसरी कंट्री बनाने में स्पेशलाइज है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा बेनिफि ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड क्या होते हैं टिल देन टेक केयर हैव ए नाइस तेई